नहीं, काफ़ी अच्छी फीलिंग है क्योंकि आप टेस्ट क्रिकेट में 5 विकेट लेते हैं, तो किसी भी प्लेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और टेस्ट क्रिकेट एक ऐसी क्रिकेट है जो आप जो भी प्लेयर होता है वो हमेशा सोचता है कि मैं एक टेस्ट प्लेयर बनूँ। और जब मैं 5 विकेट लिया, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेड बॉल बहुत क्लोज़ है मेरे, और मैं हमेशा चाहता हूँ कि मैं टेस्ट क्रिकेट लंबा खेलूँ, और पूरा फोकस उसी पे है। अब इंग्लैंड से वापस आया तो उसके बाद वहाँ पे कंडीशंस थोड़ा डिफरेंट थे, शायद मैंने अच्छा बॉल डाल सकता था वहाँ पर नहीं हुआ वैसे। फिर उसके बाद यहाँ के इंडिया के साथ 2 मैच खेले, कम बैक अच्छा किया, तो यहाँ पे भी आके फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा वैसा था क्योंकि एडजस्ट करने में टाइम लगता है आपको। फिर सेकेंड इनिंग में आया तो अच्छा बॉल पड़ रहा था, तो अच्छा लगता है क्योंकि, और कम बैक हमेशा किसी भी प्लेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो मेरे लिए बहुत अच्छा था। वेरी डिफ़िकल्ट, यू नो, कमिंग बैक फ्रॉम वाइट बॉल टू रेड बॉल बहुत चैलेंजिंग रहता है क्योंकि आपको एक रेस्ट स्पिनर के लिए हमेशा चैलेंजिंग इसलिए है क्योंकि आपको यूज़ टू होने में टाइम लगता है। वाइट बॉल थोड़ा हार्ड होता है तो अच्छा ग्रिप होता है, और जब आप रेड बॉल खेलते हो तो जैसे जैसे ओवर निकलते हैं तो बॉल सॉफ्ट हो जाता है, तो उसमें एडजस्ट करने में टाइम लगता है, तो मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट था। पर जब इंग्लैंड से वापस आया तो मैचेस खेले, थोड़ा यूज़ टू हो गया था कंडीशंस में, तो उसके बाद जब एशिया कप खेल के वापस आया तो 3-4 दिन लगे मुझे बॉलिंग वॉलिंग करते करते टाइम। अभी फिर उसके बाद सेकेंड इनिंग में बेटर आ रहा था। बस जब फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कर रहा था तो इतना सोचा नहीं था कि वो उतना अटैक करेंगे। नॉर्मली मैंने स्टार्ट किया अपना स्पेल, जैसे जैसे देखा कि हल्का सा फ्लाइट उनको दिख रहा तो वो अपना शॉट खेल रहे थे, रन लीक हो रहे थे, तो फिर जब सेकेंड इनिंग में आया तो सोचा यही प्लान था कि रन जल्दी नहीं देने हैं क्योंकि अगर आप रन पे कंट्रोल रख लोगे तो विकेट जल्दी आ जाएंगे। तो मेरा बस यही प्लान था कि ज़्यादा फ्लाइट नहीं देनी इनको क्योंकि पावर है इनके पास, कभी भी रन स्कोर कर सकते हैं। तो बस वही दिमाग में था कि वेरिएशन अच्छे से यूज़ करना है और ज़्यादा रन नहीं लीक होने चाहिए। इंग्लैंड से वापस आके मैं अपने कोच के पास गया, 3-4 दिन मैंने खूब बॉलिंग की। रेड बॉल से डिफ़िकल्ट था मेरे लिए क्योंकि वाइट बॉल खेलते खेलते आपकी लय चली जाती है, तो मैं 4-5 दिन सर के साथ था, काफ़ी बॉलिंग पे ध्यान दिया, राउंड द विकेट बॉलिंग काफ़ी ट्राई किया, राउंड द विकेट, ओवर द विकेट, रिलीजिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया कि आप किस पेस से बॉल डाल रहे हो। आपको वनडे में आपका पेस थोड़ा हमेशा बढ़ जाता है, पर जब आप टेस्ट क्रिकेट खेलते हो तो आपको थोड़ा सा एयर देना पड़ता है कि हाँ चांस बैट्समैन ले, तो उस पर वर्क किया। जब ऑस्ट्रेलिया के साथ खेला तो पहला फर्स्ट गेम में तो नॉर्मली डाल रहा था बॉल, थोड़ा ड्राइव हो रहा था, जैसे जैसे कॉन्फिडेंस आया, ओवर ज़्यादा लंबे स्पेल लंबे किए, फिर उसके बाद फिर नॉर्मल हो गया था वो। नो रीज़न मैर, यू नो, इफ यू टेक 5 विकेट इन टेस्ट क्रिकेट इज ऑब्वियसली वेरी स्पेशल फॉर एनी बॉलर, यू नो। आई प्लेड ओनली 4 टेस्ट मैचेस, यू नो, फॉर मी इज़ वेरी स्पेशल, यू नो, टू गेट अ 5 विकेट हॉल अगेंस्ट एनी साइड, यू नो, द वेस्ट इंडीज़ अ गुड साइड, यू नो, दे आर लाइक अ वेरी गुड प्लेयर, यू नो, दे आर अटैकिंग एवरी बॉल, एंड when someone is attacking sometime you are tends to ball short and fall fuller, you know, so 5 wicket haul is very special.